जिला डुंगरीपाली ब्लॉक अंतर्गत बरकल्ले ग्राम पंचायत मामुंडा ग्राम तथा रामपुर ग्राम विभिन्न स्थानों में जबेरी नामक एक संस्था घर घर पाइप द्वारा पानी की कमी पूरी करने की आड़ में ग्रामीण रास्तों को तोड़ डाली है। ग्रामीण रास्ते लाखों के खर्च से बने हैं। संस्था रास्ते के बारे में परवाह न करके अपने हित के बारे में सोच रही है, ताकि काम खत्म होने पर मोटी रकम की रोजगार की लालसा रख ग्रामीण इलाके में शिरकत हो सके। रास्ते पर गड्ढे के बदले गड्ढे खोद दिए गए हैं। संस्था का इस प्रकार मनमानी काम पर रामपुर इलाके के लोग तथा अमामुंडा गांव के लोग दृढ़ प्रतिवाद कर रहे थे। सुवर्णपुर जिला बिनका ब्लॉक और डुंगरीपाली ब्लॉक के कई इलाकों में पाइप द्वारा घर पर पानी की पूर्ति की जाने की सरकार की पाइपलाइन फॉर मेगा PWS योजना के तहत 120 करोड़ रुपए का खर्च होने का है, जो कि जाबेरी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था की तरफ से शुभारंभ किया गया है। संस्था ग्रामीण लोगों की बातों को नजरअंदाज करने पर रामपुर और अमामुंडा गांव के लोगों ने BJD युवा जनता दल के उप सभापति रामेश चंद्र पुजारी, रामपुर ग्राम पंचायत के समिति सभ्य मनोज पुरोहित तथा बरकल्ले समिति सभ्य के प्रतिनिधि गणेश भाई को कहा। बाद में संस्था के ठेकेदार के मनमौजी काम करने के खिलाफ राज्य के अर्थ मंत्री, जिला RWSS तथा RD मुख्यमंत्री, जिला आरक्षी अधीक्षक, रामपुर थानाधिकारी को तुरंत तोड़े गए रास्ते की ठेकेदार द्वारा मरम्मत किए जाने की कार्रवाई करने को लेकर पत्र दिया गया। लोगों की प्रतिवाद को सम्मान देते हुए शनिवार को RWSS निर्वाहक इंजीनियर देवी प्रसाद रथ, RD का सहकर्मी इंजीनियर सत्यव्रत बेहरा, अतिरिक्त मंत्री प्रभात कुमार महंत, राम कुमार थानाधिकारी प्रदीप कुमार, प्रधान कुमार अमामुंडा और रामपुर इलाके के संस्था की तरफ से तोड़फोड़ का प्रदर्शन किया गया। अगले समय में मनमानी का काम न करने के लिए लोगों में सूझबूझ से काम करने को संस्था ने निर्देश देने के साथ ही इसमें व्यतिक्रम होने पर कार्रवाई होने की संस्था के ठेकेदार को अधिकारियों ने चेतावनी दी है। संपर्क ठेकेदार आगे से गांव वालों की सहमति के बिना काम जारी नहीं रख। R9 भारत के लिए विप्लव रंजन दास की रिपोर्ट, सुबर्णपुर।